हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर CBS 2। स्वागत है आप सभी का CBS 2 में, और स्वागत है आप सभी का इस दमदार सेशन में जो कि एयरफोर्स एंड नेवी से नेवी के लिए आता है। प्रतिदिन सुबह के 10 बजे आप लोगों के लिए वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है, और आज उस सेशन की फोर्थ नंबर की आज सेशन है। तो जो लोग भी नए हो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक यहाँ से दिया गया है, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एक CBS ट्यूब स्टडी चैनल के नाम से मेरा ग्रुप भी चलता है टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और साथ में ही टॉप 10 का रिजल्ट भी वहाँ पे लाया जाता है। तो आप लोग वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। तो फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, ये मेरे चैनल्स का यहां से दिया दिखाया गया है चैनल को, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यहां से, और एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड यहां पे तमाम प्लेलिस्ट बनाई गई है, जहां से आप लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं मेरे वीडियो को वॉच करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं आ गया होगा कि हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद समाप्त किया गया है। क्वेश्चन यह है कि विधान परिषद जो है किस राज्य में समाप्त किए गए हैं। तो यहां से आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि देख सकते हैं। तो फर्स्ट यह है कि जम्मू कश्मीर, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश और फोर्थ नंबर तमिलनाडु लिखा गया है। तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी उसको राज्य से हटा के यूनियन टेरेटरीज केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जहां पे तो केवल विधानसभा है लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। इस कारण से इसकी आंसर फर्स्ट हो जाएगी जम्मू कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ से दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट है राजेंद्र सिंह तोमर, दूसरा नरेंद्र तोमर, तीसरा गजेंद्र सिंह और फोर्थ अरुण सिंह लिखा गया है। तो इसकी करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए हो जाएगी, राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस जो आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एयरफोर्स और नेवी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग अंत तक मेरे वीडियो को देखेंगे और जो लोग भी नए हो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। आप यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होती है। आप कितने साल के होंगे तो आपको राज्यसभा में इलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा चुका है। ए है 25 ईयर्स, बी 30 ईयर, सी 35 ईयर्स और डी जो है 33 ईयर्स। तो इसकी करेक्ट आंसर जो होगी आपकी ऑप्शन बी हो जाएगी। 30 ईयर्स का अगर आप हो जाते हैं तो आप राज्यसभा में इलेक्ट होने लायक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से 5 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 4th क्वेश्चन हो चुके हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। आपको यहाँ से 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे। फर्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा जिम सीमंस, तीसरा फ्लेमिंग और फोर्थ नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी करेक्ट आंसर जो होगी अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगी, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार को भी दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो होती है इन्हीं के नाम पे दी जाती है, तो आप याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काला पानी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि काला पानी विवाद भारत का किस देश के साथ है। काला पानी एक जगह है, तो वह काला पानी विवाद जो है भारत का किस देश के साथ है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट है नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान और फोर्थ भूटान नंबर है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी नेपाल हो जाएगी, नेपाल के साथ ही ये विवाद चल रहा है काला पानी का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, जो कि 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं।
फर्स्ट है अकरण, दूसरा अक्षीकरण, तीसरा ए और बी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उसे हम लोग अवकरण बोलते हैं। तो इस कारण से इसके आंसर अवकरण हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे सेशन को लाइक करते चले और अंत तक देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आर्द्रता आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब आर्द्रता को मापना होता है तो किस उपकरण का सॉरी गाइज, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ से बतलाना है। तो जैसे कि आपको फोर ऑप्शन यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहा है। फर्स्ट ये है कि हाइग्रोमीटर, फर्स्ट ऑप्शन ए देख सकते हैं, हाइग्रोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा पायरोमीटर, चौथा ऑक्टोमीटर। तो इसका आंसर जो होगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर अधिकतम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर अधिकतम होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि चार ऑप्शन लिखा गया है, ध्रुव, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इसकी करेक्ट आंसर जो होगी ध्रुव हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर बतलाना है। तो इसकी आंसर चाल हो जाएगी। चाल जो होती है वह सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं और इसकी आंसर जो होगी 2022 हो जाएगी इसकी आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।